अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एडमिशन 2023 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो एडमिशन के लिए अवेलेबल है और इन प्रोग्राम्स का हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ होने वाला है और इन प्रोग्राम में हमारे पास अप्लाई के लिए जो क्राइटेरिया वो क्या कुछ होगा और इसके अंदर हमें जो है वो अप्लाई करेंगे किस तरह से एट दिन जो है आपको एडमिशन के बारे में जो कम्प्लीट डिटेल है वो इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल प्रोग्राम की तो उसके लिए जो है मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की है। हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें अगर कोई नई किसी मतलब न्यू कोई नोटिफिकेशन आई तो वो भी हमारे सामने आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के बारे में डिटेल थोड़ी बहुत यहाँ पर दी हुई है। अवेलेबल प्रोग्राम्स के लिए मैंने जो है उनका डेटा इन्फॉर्म अपने पास डाउनलोड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन हमारे पास यहाँ पर ओपन है फॉल 2023 के। तो अवेलेबल प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं एडमिशन के लिए, जिनमें सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है और फिर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी का डिपार्टमेंट आ जाता है। फिर हमारे पास जो है वो बीएस ऑप्टोमेट्री है, फिर बीएस मेडिकल इमेजिंग साइंसेज है, फिर बीएस डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंस, फिर बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज, बीएस डेंटल साइंसेज, बीएस नर्सिंग है, बीएस नर्सिंग पोस्ट आरएन है। इसके बाद हमारे पास जो है वो बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, फिर बीएस साइकोलॉजी है, फिर बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस इंग्लिश, और इसके बाद हमारे पास जो है वो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर हमारे पास यहाँ पर बीएस सिविल इंजीनियरिंग है, फिर बीएस कंप्यूटर साइंस है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, फिर बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर एडीपी का डिप्लोमा कराया जा रहा है आपको कंप्यूटर साइंस का। ये डिप्लोमा बेसिकली 2 साल का होता है। आप इंटरमीडिएट के बाद जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके बेस पे आप बीएस फिफ्थ में एडमिशन ले सकते हैं आगे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पर बीबीए का प्रोग्राम अवेलेबल है, फिर बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस है, फिर बीएस एविएशन मैनेजमेंट है, फिर बीएस इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल रिलेशन है, देन हमारे पास यहाँ पर बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन आ जाता है। एडीपी एसोसिएट डिग्री इनकी कराई जा रही है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फिर एडीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, फिर बैचलर ऑफ लॉ है एलएलबी का प्रोग्राम, फिर बीएस क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट आ जाता है, फिर इनके पास जो है बीएस शरीयत है इस्लामिक, इसके बाद इस्लामिक फिक्का, फिर इनके पास जो है वो बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन है, फिर बीएस ग्राफिक डिज़ाइन, बीएस इस्लामिक साइंसेज और बीएड ऑनर एजुकेशन के अंदर, और बीएड इनके पास प्रोग्राम अवेलेबल है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर वगैरह होगा तो ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है। तो सभी डिपार्टमेंट का फीस स्ट्रक्चर आपको इस एक पेज से मिल जाएगा, जैसे आप चेक कर सकते हैं डीपीटी का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर कितना बन रहा है। ट्यूशन फी उन्होंने यहाँ पर गिटार के हिसाब से लिखी है, ठीक है, तो आपने पर गिटार से हिसाब के देख लेंगे और वैसे भी आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो डीपीटी का हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने डिग्री फी टोटल यहाँ पर लिखी हुई है, ये 18 लाख रुपये बन गई आपकी जो है वो 5 साल की फी होगी, अगर 5 साल के डिपार्टमेंट है तो, ठीक है, पर गिटार आपके यहाँ पर 94,000 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटल मतलब लिखा हुआ है, मतलब 4 साल में आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर आपको डिटेल दी है। और बीएस ऑप्टोमेट्री में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी यहाँ पर 14 लाख फी बन रही है। इसके बाद बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आप यहाँ पर 94,000 इनका जो पर किटार के हिसाब से बन रहा है। बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी साइंस का 3625 रुपये बन रहा है पर गिटार। बी एस डायटेटिक्स एंड न्यूट्रल साइंस का आप चेक कर सकते हैं 14 लाख बन रहा है आपके 4 सालों का। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो बी एस सीसी टेक्नोलॉजी का इनके पास बन रहा है 9,90,000। और इसके बाद यहाँ पर बी एस डेंटल साइंस है, बी एस साइकोलॉजी का हम देख लेते हैं 4,50,000 बन रहा है इसका, ठीक है। बी एस बायोटेक्नोलॉजी का भी इनके पास 4,50,000 बन रहा है। और इसके बाद एम फिल पी एच डी का रिविजन ओपन नहीं है। और बी एस नर्सिंग का आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 लाख जो है और 20,000 बन रहा है इसका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। और फी ब्रेकअप यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन फी आपकी 30,000 है और ट्यूशन फी इन्होंने यहाँ पर बताई आपकी मतलब 4734 रुपये है, रजिस्ट्रेशन आपकी 300, एग्जामिनेशन आपकी 300 रुपये, आपको फी पे करनी पड़ेगी। ये फीस स्ट्रक्चर आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसकी डिटेल वगैरह भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या कुछ होगा तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट का हमारे पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल है। जैसे डॉक्टर फिजिकल थेरापी है तो उसमें आप देख सकते हैं 10 सेमेस्टर हमारे पास, 5 साल का इंटरमीडिएट, 60% नंबर के साथ बंदे ने पास किए चाहिए तो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। और बी एस ऑप्टोमेट्री के लिए इंटरमीडिएट 50% नंबर के साथ बंदा पास कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास पी जी प्रोग्राम है, बी एस डेंटल साइंस का भी डिपार्टमेंट का हमारे पास है, बी एस साइकोलॉजी का भी, अगर आप इंटरमीडिएट 45% नंबर के साथ पास किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का भी तकरीबन सेम ही बनता है, ठीक है।
तो ये सारे के सारे हमारे पास इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आ गए। अगर हम बात करें इसमें अप्लाई ऑनलाइन की, हम इसमें अप्लाई ऑनलाइन किस तरह से करना है, तो उससे पहले हम यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप पॉलिसी भी चेक कर सकते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन है, एडमिशन पॉलिसी है, ठीक है, फी फैसिलिटीज है, प्रॉस्पेक्टस वगैरह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप इनके पास कहा जाता है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, नूरी स्कॉलरशिप है, ठीक है, सैयद सर सैद स्कॉलरशिप है, और हुमा अलुमनी स्कॉलरशिप है, जहांगीर खान स्कॉलरशिप है, किनशिप है, स्कॉलरशिप फॉर दी फ्लड अफेक्टेड रीजनल स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप इनके पास अवेलेबल है। और अप्लाई करने के लिए जो है हमें सिंपली क्या करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर हमें तरीका बताया हुआ है, आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको जो प्रॉस्पेक्टस भी मिल सकता है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप अपने आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। न्यू एप्लीकेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दी है, वो हम यहाँ पर लॉगिन करके खुद ही चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो फिर आपने सिंपली इस तरह से लॉगिन करना, नहीं तो आप साइन अप करेंगे। सिंपल इसमें साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर ईमेल देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपने फुल नेम लिखना है, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे जी, आप किस डिग्री के लिए, किस डिग्री में आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, मैं यहाँ पर अटेंडेंस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देना अपना, यहाँ पर आप अपना CNSE नंबर लिख देंगे, यहाँ पर आपने पासवर्ड सजेस्ट कर लेना, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना। अब क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते सार ये भी आपके सामने जो है यहाँ पर वेरीफाई ईमेल वाला आ रहा है, तो आपने सिंपली अपने जीमेल अकाउंट में जाना और अपने जो ईमेल चेक कर लेनी है कि आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई है या नहीं आई, ठीक है। तो हम इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि हम चेक कर लेंगे हमारे पास यहाँ पर ईमेल किस टाइप की आई है। और बाज़ अवकात ऐसा होता है कि आपको ईमेल फ़ौरन नहीं मिलती, थोड़े टाइम के बाद मिलती है, पर आपके ड्राफ्ट वगैरह में पड़ी होती है, वो तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर ये जो है वो स्पैम फोल्डर में पड़ी होती है, देखिए मेरे पास स्पैम फोल्डर के अंदर ही पड़ी थी, ठीक है, तो आपने भी अपने स्पैम फोल्डर के अंदर चेक करनी है, मेन पेज पर शायद ना हो। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर देना, वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करते साथ ही देखिए भी हमारे सामने इसका लॉगिन वाला पेज खुद ही शो हो जाएगा, ये हमारे पास इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल होगी, एडमिशन गाइड है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, हाउ टू अप्लाई, ये लॉग आउट वगैरह, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये नेम, फादर नेम, लैंडलाइन नंबर, ब्लड ग्रुप लिखेंगे अपना, मेडिकल स्टेट्स बताएंगे, मजहब बताएंगे आप, ठीक है, नेशनलिटी, कंट्री नेम बता देंगे, स्टेट बताएंगे, सिटी का नेम बताएंगे, होम एड्रेस अपना आप बता देंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड कर देंगे, प्रोफाइल ही मुझे अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, CNSE फ्रंट से, CNSE बैक से अपलोड करेंगे, या फिर पे फॉर्म भी चल जाएगा, ठीक है, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आएगा डिग्री चूज वाला, यहाँ पर आप डिग्री चूज कर सकते हैं, मतलब कैंपस सेलेक्ट करेंगे, इंजीनियरिंग विंग्स है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, फैकल्टी किस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, आर्ट साइंस है, फार्मेसी है, ठीक है, लॉ एजुकेशन है, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और सेकेंड भी आपके मतलब दो प्रेफरेंस होगी आपके पास, आप किन में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर डिग्री पर क्लिक कर देंगे आप, फिर आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आएगी, जब आप डिग्री पे क्लिक करेंगे, मतलब जब आप अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे अप्लाई फॉर द डिग्री, तो उसके बाद आपके सामने जो है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपको बता देंगे आप इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं। यहाँ पर आपने बताना है अपना मैट्रिक के बारे में कि आपने मैट्रिक कहाँ से की, कितने नंबर लेके आपने पास की, ठीक है, मतलब इस तरह करके ये देखें बैचलर्स आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप बता देंगे, मतलब ICS इंटर जो भी आप बताना चाह रहे हैं, अपनी मैट्रिक से बता सकते हैं, फिर आप इंटरमीडिएट के बारे में टोटल आप बता सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड मोर करके फिर आप इंटरमीडिएट के बारे में बताएंगे, पहले मैट्रिक के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके बहन भाई कितने हैं, मतलब आपके वाले साहब क्या काम करते हैं, इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको देनी होगी, तो इस तरह करके आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी ये तक थी, उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी, अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।